थंबनेल में जो ये लोग दिए हुए हैं, अगर आप इनको पहचानते हैं दैट मीन्स आप क्रॉनिक पेन से सफ़र कर रहे हैं और सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, और बहुत सारे चैनल्स को आपने फॉलो किया है, बहुत सारे मेथड्स को आप फॉलो कर चुके हो। और मुझे कैसे पता है, क्योंकि इन सबको मैं जानता हूँ, मोटिवेशनल डॉक बॉब एंड ब्रैड, फिजिकल थेरेपिस्ट डॉक्टर जो, स्वामी रामदेव जी, और अपने सुकून फिजिकल थेरेपी वाले हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनके चैनल्स मैं भी फॉलो करता था, और बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। बहुत सारे लोगों को इनके चैनल्स पे जाके रिलीफ मिलता है, अभी इनके इतने फॉलोअर्स हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारी तरह, इंक्लूडिंग मी, जिनको ये सब करने के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला था अपनी प्रॉब्लम का, या नहीं मिलता है। इतना सब करने के बाद भी आप पेन में होते हैं, आपकी सर्च चलती रहती है, जिस कीप्स गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। कभी आप एक्सरे करवाते हो, कभी आप MRI करवाते हो, फिर आप पेन किलर्स खाते हो, मसल रिलैक्सेंट्स खाते हो, ओमनी जेल लगाते हो, फिर आयुर्वेद की तरफ जाते हो, होम्योपैथी की तरफ जाते हो, उनकी दवाइयाँ ट्राई करते हो, फिर एक्यूप्रेशर भी करते हो, एक्यूपंक्चर भी ट्राई करते हो, फिर होलिस्टिक वेज और ढूंढते हो, नेचुरोपैथी, डाइट चेंज करते हो, अपने ब्लड वर्क करवाते हो कि कोई विटामिन की कमी तो नहीं है, कोई आप में कोई अदर डेफिशिएंसी तो नहीं है, फिर आप सप्लीमेंट्स भी लेते हो। तो ये एक विशियस साइकिल है, आप इससे गुजर रहे हैं, मैं भी गुजरा हूँ। पर अगर आप निकलना चाहते हैं कि मैं कैसे निकला इस साइकिल से और कैसे अपनी लाइफ क्लेम की, तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। अपने 8 से 10 मिनट अगर आप देंगे तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो। खलील गिब्रान का एक बहुत ही सुंदर सा कोट है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, योर पेन इज़ द ब्रेकिंग ऑफ द शेल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। कि पेन जो हमें होता है जब हम एक्सट्रीम सफरिंग में होते हैं, तो एक्चुअली में वो हमारी जो इल्यूजन है, अंडरस्टैंडिंग है वर्ल्ड की, अब तक जो आप समझे हो अपनी बॉडी को लेके, या किसी भी कंटेक्स्ट में सोसाइटी को लेके, फीलिंग्स को लेके, इमोशंस को लेके, वो एक आपने शेल बनाया अपने आसपास। तो पेन उस सेल का टूटना है, आपका ट्रू सेल्फ का बाहर निकल के आना है। पेन में आप समझते हो लाइफ को, अपनी रियल स्ट्रेंथ को, अपनी विल पावर को, और आप पता लगाते हो कि पेन क्या कहना चाह रही है आपसे। पेन हमेशा कोई ना कोई मैसेज लेके ही आपके पास आई है, बिना मतलब का पेन नहीं है। क्रॉनिक पेन में आपको कोई टिश्यू डैमेज नहीं है, ये बात प्रूवन है। उसके लिए आप बाकी वीडियो देख सकते हैं, हम बार बार बात करते हैं कि क्रॉनिक पेन में आपके इमोशंस और रिप्रेस हुई फीलिंग की वजह से आपका ब्रेन आपको पेन क्रिएट करके दे रहा है। तो आपको लिसन करना उस पेन को केयरफुली, क्या मैसेज लेके आई, क्या कहना चाह रही है वो पेन, क्या समझाना चाह रही है आपको। मोर ओवर तो जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको हो सकता है अटपटा लग रहा हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे बात हो रही है आपके पेन के रीज़न की। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, आप बहुत सफ़र कर चुके, अब आप मेथड ढूंढ रहे हो अपने आप को हील करने का। तो मेथड है, क्रॉनिक पेन को क्योर करने का मेथड डेफिनेटली है। तो उससे पहले आपको ये समझना कि आपका क्रॉनिक पेन है क्यों, किस वजह से है। तो इस सिंड्रोम का एक नाम दिया गया है लेट डॉक्टर जॉन सार्नो के द्वारा, टेंशन मायोसाइटिस सिंड्रोम, या तो टेंशन मायो न्यूरल सिंड्रोम। आप इस वीडियो को देखने के बाद इसके ऊपर और रिसर्च कर सकते हैं, और वीडियोस देख सकते हैं, गूगल पे जा सकते हैं। ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड टर्म है और हज़ारों लोग इस मेथड को, मोर ओवर लाखों लोग ठीक हो चुके हैं, और लाखों ही लोग अपनी हीलिंग प्रोसेस में हैं, और सैडली करोड़ों से ज़्यादा लोग अभी भी इस कंसेप्ट से अनअवेयर हैं। और वो मैं सर्च की बात कर रहा था कि कोई मेथड ढूंढ रहे हैं आज भी, वो डॉक्टर बदल रहे हैं, वो मेथड बदल रहे हैं, दवाइयाँ बदल रहे हैं, एक्सरसाइज बदल रहे हैं, पोज बदल रहे हैं, पर उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी एक्सरसाइज और योगा और एनी होलिस्टिक मेडिसिन, बट मेरा मैसेज ये है कि अगर उससे आप ठीक हो रहे हो, इट्स वेल एंड गुड। बट जो लोग किसी भी मेथड से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, फिर उनको अल्टीमेटली लास्ट में माइंड बॉडी मेथड को ही एम्ब्रेस करना होगा अपनी हीलिंग के लिए। क्योंकि माइंड बॉडी मेथड अल्टीमेटली हमें यही बताता है कि माइंड क्रिएट्स ऑल टाइप ऑफ पेन, वेदर इट्स फिजिकल और इमोशनल। फिजिकल पेन में, इमोशनल पेन में ब्रेन के सेम एरियाज एक्टिवेट होते हैं, और ब्रेन आपको पेन क्रिएट करके देता है क्योंकि कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं, कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो अनएड्रेस्ड हैं, जिनको आपका अटेंशन अभी नहीं मिला है, इसीलिए आप क्रॉनिक पेन में हो। उन फीलिंग्स को पहचानना, उन्हें बाहर निकालना, उन्हें एड्रेस करना आपका जॉब है, और ब्रेन को सेफ्टी के मैसेज देना कि देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद योर बॉडी। ये प्रूवन है कि इमेजिंग में जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ आपको बताई गई हैं, जो भी आपके MRI देख के डॉक्टर ने बोला कि लुक
दिस इज़ रॉन्ग विद योर बॉडी। यहाँ पे L4, L5, C4, C6 के बीच में स्पेस कम हुआ है, बल्जिंग डिस्क है, हर्निएशन है। उनसे पूछिए आप कि ऐसे कितने लोगों को और हैं कि जिनको पेन नहीं है। हज़ारों ऐसे लोग हैं जिनको सेम आपका डायग्नोसिस है, बट उनको पता भी नहीं है, क्योंकि उन्हें कभी स्कैन नहीं कराया, उनको कभी पेन नहीं हुआ। और मेडिकल साइंस ये कहती है, बड़े बड़े सर्जन ये कहते हैं कि दीज थिंग्स आर नॉट सपोज टू कॉज यू सो मच पेन। जब आपको कोई इंजरी होती है तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको पेन हो सकता है, कुछ महीनों के लिए, उससे ज़्यादा एक्सीड कर रहा है तो वो पेन क्रॉनिक है, फिर वो न्यूरोप्लास्टिक हो चुका है, मीन्स वो न्यूरल सर्किट बन चुका है, ब्रेन ने उसको अंडरस्टैंड कर लिया, वो ट्रिगर कर देता है डिफरेंट सिचुएशंस में, जहाँ से आपको फियर आपने अटैच करके रखा कि बेंडिंग से फियर है तो बेंड आप करोगे तब वो ट्रिगर हो जाएगा पेन, या आपको हेडेक्स होते हैं तो कहीं आपको किसी स्मेल से या लाइट से वो ट्रिगर होता है तो उस टाइम ट्रिगर हो जाएगा। जबकि ये प्रूवन है कि नॉर्मल लोगों को भी एक्सरे एमआरआई में एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, वर्ल्ड वाइड ये रिसर्चेस हो चुकी हैं, मोर देन 70% लोगों के एक्सरे एमआरआई नॉर्मल नहीं होते हैं। इस चीज़ को भी आप वेरीफाई कर सकते हैं जाके गूगल पे। उसके बाद बात करूँगा कि आपकी होपलेसनेस की, कि मैं समझ सकता हूँ कि होपलेस इंसान हो जाता है जब वो सब कुछ ट्राई करता है, सब कुछ करने उसको सोल्यूशन नहीं मिलता है, लाइफ ऐसे लगता है कि अब होप नहीं है लाइफ में, अब ये तो रोज़ मर मर के जीने वाली कंडीशन होती है ना, रोज़ पेन, रोज़ पूरा दिन निकालना एक स्ट्रगल है, फिर रात को सोना एक स्ट्रगल है, नेक्स्ट डे फिर काम पे जाना एक स्ट्रगल है, कुछ लोग तो काम पे भी नहीं जा पाते हैं। तो वो साइकिल में जो आप फंस गए उससे निकलने का रास्ता है, मैं उसका लिविंग प्रूफ हूँ, बस आपको ट्रस्ट करना है मेरी बातों पे, मेरे बाकी वीडियोस भी देखिए आप, आई थिंक ये 39th या 40th वीडियो है, और हर वीडियो में एक ही बात पे हम रिन्फोर्स करते हैं एक ही अप्रोच को, बार बार मैं आपको बताता हूँ कि माइंड बॉडी अप्रोच, माइंड क्रिएट्स ऑल टाइप ऑफ पेन, इस बात को आपने गांठ मान लीजिए, और आपका क्रॉनिक पेन जो जितना भी है, जितने भी ये पेन आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे माइंड कॉज करता है और कर सकता है बिना किसी फिजिकल टिश्यू डैमेज के, ब्रेन इतना आपका कैपेबल है, ये लर्न कर लेता है पेन को। आप सपोज़ करिए कि आप साइकिल चलाना सीख रहे, शुरू में आप गिरोगे, पड़ोगे, फिर उठोगे, फिर आप साइकिल चलाना एक ऑटोनॉमस जॉब हो जाता है, आपका ध्यान कहीं और, आप चला रहे हो, बैलेंस ना ले रहे हो, मीन्स यू गेट्स बेटर विद प्रैक्टिस। तो ऐसे क्रॉनिक पेन में ब्रेन जब कॉन्स्टेंट आपकी बॉडी पेन में है, पेन सिग्नल को फायर कर रहा है, तो ब्रेन गेट्स गुड एट इट एट प्रोड्यूसिंग पेन, दिमाग ईजिली फिर पेन प्रोड्यूस कर देता है, आपको प्रैक्टिस हो जाती है, वहाँ पे सर्किट्स बन जाते हैं, हार्ड कोडेड हो जाते हैं वो, अब ट्रिगर्स ढूंढता है ब्रेन, बस कब आप फियर में हो, कब आप स्ट्रेस में हो, कब आप इमोशनल डिस्टर्बेंस में हो, कब आप इमोशंस को रिप्रेस कर रहे हो, तो आपका अटेंशन उससे हटाने के लिए ब्रेन चुटकियों में पेन के सर्किट्स को एक्टिवेट कर देता है। और कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ जो आपने मान ली है कि आपके लिए डेंजरस है, बेंडिंग, लिफ्टिंग है ना, टू स्लीप इन पर्टिकुलर पोस्चर, टू सिट इन अ पर्टिकुलर पोस्चर, उससे आपका पेन ट्रिगर हो जाता है। मैं भी अपनी बात में आप विश्वास नहीं करोगे, मैं कई बार बता चुका हूँ कि 2 मिनट जब सीवियर नेक पेन के दौर से गुजरा था, तो 2 मिनट के लिए बैठना भी पॉसिबल नहीं था, एकदम से इतना स्टिफनेस और पेन होती थी कि बस लेटा रहता था, कहीं भी बाहर जाओ या कुछ काम कर रहा हो तो बस लगता था कब जाके अपने बेड पे बस पड़ जाऊँ जाके फ्लैट, कि बस आई कांट बियर दिस एनीमोर, ऐसी कंडीशन थी। तो अब देखिए घंटों एक जगह बैठे रहते हैं, बातें करते हुए, वीडियो बनाते हुए, या ऑफिस में कहीं भी, तो पता ही नहीं लगता है कब टाइम निकल गया, कब आपने काम कर लिया, क्योंकि अब आपने मैसेज दे दिया ब्रेन को, मैंने मैसेज दे दिया कि दिस एक्टिविटी इज़ नॉट गोइंग टू हर्ट मी, माई सिम्टम्स आर ड्यू टू माइंड बॉडी ना, रिप्रेस्ड इमोशंस या फियर, जिसको परसीव डेंजर पेन बोलते हैं या प्रिडिक्टिव कोडिंग बोलते हैं, उसको टॉक बैक कर करके ब्रेन को समझा के, जैसे ब्रेन आपको ढूंढता है, आपको जब कोई आपको लगती है चोट या कुछ होता है तो आपका रिएक्शंस ढूंढता है, वो देखता है आप कैसा रिएक्शन है आपका, उस हिसाब से आपको सिम्टम्स देने हैं। जस्ट लाइक अ किड जब वो गिरता है तो वो अपने पेरेंट्स को देखता है उनकी तरफ कि पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है, मुझे रोना या नहीं रोना, पेरेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं, अरे बेटा कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं हुआ तो चींटी मर गई ये वो, तो बच्चा उठ के हंसने लगता है और वो रोता नहीं है। पर अगर पेरेंट्स ऐसा एक्सप्रेशन के अरे ओहो गिर गया, अरे लगी तो नहीं, या कुछ ऐसा आप नेगेटिव रिस्पॉन्स दोगे तो वो जोर जोर से रोना शुरू कर देगा, जबकि सिचुएशन तो सेम है। तो वैसे ही आपका ब्रेन इनर चाइल्ड, ये भी एक बच्चा ही है, ये आपसे फीडबैक लेता है, आप पेन से फ्रीक आउट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फियर में आ रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमेजिनेशन कर रहे हो उसको लेके, तो फिर ये सिम्टम्स को बढ़ा के एम्पलीफाई करके देता है, और बार बार फियर, एक तो पेन का फियर और सिम्टम्स का दोबारा होने का फियर कि कल फिर ना हो जाए, वहाँ पे जाऊँगा उस काम के लिए, उस जगह पे ना हो जाए, शादी में जाना है या कहीं घूमने जाना है वहाँ पे ना हो जाए, तो वो आप फियर एंटिसिपेट कर रहे हो और फीड कर रहे हो फियर, उससे वो फिर तभी पेन क्रॉनिक होता है हमारा। क्रॉनिक पेन में फिजिकली आपकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, कभी आपको कोई इंजरी हुई भी होगी वो हील हो चुकी है लॉन्ग बैक, अब उसका कोई रोल नहीं आपकी पेन में, और ये प्रूवन है, बड़े से बड़े न्यूरो साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं, बड़े से बड़े सर्जन इस बात को मानते हैं, बस आप अनअवेयर इससे फैक्ट से, इसलिए मेरा जॉब है आपको एजुकेट करना बार बार कि डोंट फियर योर सिम्टम्स, डोंट फियर योर पेन, तभी आप हीलिंग जर्नी पे आ पाएंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस कंसेप्ट से रूबरू हो रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वापस जाके चैनल पे बाकी वीडियोस चेक करें, बाकी वीडियोस को देखें, और फिर इस मेथड को आप डॉक्टर जॉन सारनो के वीडियो सर्च कीजिए, डैन विद पेन फ्री यू.com, उनका
साइट पे जाइए, उनका चैनल देखिए, हॉवर्ड शूमनर के लेक्चर सुनिए, लोरिमर मोजली के लेक्चर सुनिए, बहुत सारे टीएमएस माइंड बॉडी एक्सपर्ट्स आज काम कर रहे हैं, है ना, बाहर इंडिया में। तो अभी फिर भी आई थिंक इट्स द फर्स्ट चैनल हिंदी में जो टीएमएस के ऊपर मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ लोगों को, अभी तक मुझे और कोई तो नहीं मिला, तो लकी समझता हूँ मैं कि मेरे से जुड़ने के बाद बहुत सारे लोग अच्छा फील कर रहे हैं, उनके कमेंट्स आ रहे हैं कि दे आर गेटिंग देयर लाइव्स बैक, उनका फियर कम हो रहा है, वो सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मली कर पा रहे हैं जो कभी कभी उनको इम्पॉसिबल लगती थी, तो उससे लगता है कि हाँ लाइफ का पर्पस कुछ पूरा हो रहा है और इस धरती पे आने का कोई एक बेटर आउटकम निकल के आ रहा है, क्योंकि बाकी सब तो नॉर्मल चीज़ें, डे टू डे एक्टिविटी हर कोई करता ही है, जॉब पे जाना, रूटीन वर्क, फैमिली लाइफ, सोसाइटी, ये सब तो हर कोई करता है, बट सफरिंग के बाद जो मैंने सीखा है कि बाकी लोगों को भी होप देनी है और उनको भी सफरिंग से बाहर निकालना है, पुल बैक करना है, क्योंकि ह्यूमन, एज अ ह्यूमन हम सपोर्ट ढूंढते हैं, हम कनेक्शन ढूंढते हैं सिमिलर की, जो हमारी सिचुएशन से गुजरे वही समझ सकते हैं, सो कॉल्ड डॉक्टर्स बड़े से बड़े कंपैशनेट भी आपको ढूंढें, पर आपकी ट्रू सेंस में आपकी पेन और सफरिंग को कोई नहीं समझ सकता अनलेस एक्सेप्ट उस पर्सन के जिसने खुद ये सब देखा हो। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको एश्योर करता हूँ कि कितना भी क्रॉनिक पेन, कितना भी सीवियर पेन, कैसे भी वियर्ड सिम्टम आपको हैं, यू कैन गेट वेल एंड यू विल गेट वेल, अगर आप इस अप्रोच पे भरोसा रखते हो, फेद रखते हो और पूरे दिल से इसको अपनाते हो और जो जो बातें हम करते हैं उनको फॉलो करते हो, तो आप सून ही अपने पेन को डिफीट करेंगे।